हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लिखेंगे मोबाइल नंबर बदलने हेतु शाखा प्रबंधक जी को आवेदन पत्र। मतलब बैंक अकाउंट में जो भी आपका नंबर पहले से दिया रहता है, अगर आपने नंबर अपना चेंज कर लिया है तो आपको अपना नंबर चेंज करवाना पड़ेगा अकाउंट में। तो उसी के लिए आप आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, यहाँ आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे। मैं स्टेट बैंक लिख दे रही हूँ। आप जिस भी बैंक में अपना जो खाता है आपका चेंज करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको अपना जगह का नाम लिखना है जहाँ आपका बैंक है, जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे विषय लिखना है। विषय में हम लिखेंगे बचत खाते में मोबाइल नंबर बदलने हेतु आवेदन पत्र। यह हमारा विषय हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। महोदय, सनम्र या फिर यहाँ पे सविनय भी लिख सकते हैं, निवेदन है कि मैं, आप उसके बाद यहाँ पे अपना नाम मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे। आपकी ब्रांच का एक ग्राहक हूँ या फिर खाताधारी हूँ, ऐसा भी आप यहाँ पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। फिर लिखेंगे मेरा खाता क्रमांक, यहाँ पे आपका जो भी खाता का मतलब आपका जो भी खाता नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद है महोदय किन्हीं निजी कारणों, आप यहाँ पे निजी कारणों भी लिख सकते हैं या फिर आपको जो भी, अगर जैसे एक जगह से दूसरी जगह भी मतलब कोई चला जाता है और किसी को अपना या फिर मोबाइल खो जाता है जैसे, तो आपको अपना नंबर दूसरा लेना पड़ता है या नंबर चेंज करवाना पड़ता है किसी भी रीज़न से, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर वो रीज़न दे सकते हैं। और नहीं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किन्हीं निजी कारणों से, क्योंकि आपको तो सिर्फ नंबर चेंज करवाना है ना, तो फिर मतलब इतना भी चलेगा। कारणों से मैंने अपना मोबाइल नंबर, अब आप यहाँ पे फिर से एक अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, को बदल कर, मतलब यहाँ पुराना वाला मोबाइल नंबर एक बार आपको लिखना है, उसके बाद बदल कर वो अपने पुराने मोबाइल नंबर को बदल कर यहाँ पे नया नंबर
अब आपका जो नया नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कर लिया है, इतना हो गया। अब उसके बाद आपको फिर, अब मतलब ये अपना कारण आपने बता दिया, न मोबाइल नंबर भी बता दिया, उसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त परिवर्तन को मेरे खाते में दर्ज करने की कृपा करें। ये हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक बार फिर से अपना पुराना मोबाइल नंबर, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है, तो कई बार वो एप्लीकेशन ना पढ़ के बस यही देख लेते हैं अकाउंट नंबर और जो भी आपने यहाँ पे डिटेल दी होगी। तो यहाँ पे आपको अपना पुराना मोबाइल नंबर लिखना है, देन फिर यहाँ पे नया मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको नया मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन प्रार्थी, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है, उसके बाद फिर से एक बार खाता संख्या आपको यहाँ पे अपना लिख देना है, खाता क्रमांक, और उसके बाद आपका जो भी पता है वो आपको यहाँ लिखना है, देन फिर आपको यहाँ पे साइन कर देना है। और इधर साइड आप चाहें, इधर साइड आप यहाँ पे अपना जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो दिनांक भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और फिर से एक बार याद दिलाती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी एटलीस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ताकि अगर आपके लिए वो यूज़फुल हो तो आप उसे ईजिली देख सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।